आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, ये सब ध्यान रखना चाहिए यार। कुछ खा रहे हो तो डस्टबिन में फेंको, डस्टबिन नहीं है तो अपना पास ही रखो, घर में जाके फेंक दो। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो गाइस यहाँ पर कचरा किया है जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, तो प्लीज़ कचरा मत करो यार। तो गाइस यहाँ पर आप ये फ़ोटो खींचेंगे, बाइक को रख दिया यहाँ पर। तो भैया जी आइए। ओ माई गॉड, यहाँ का व्यू पॉइंट का नज़ारा ही कुछ अलग है यार, क्या मस्त व्यू पॉइंट है, देख सकते इतना सुंदर लग रहा है, क्या बताऊँ। प्रकृति का नियम ही है कुछ ऐसा है यार, सबको दीवाना बना देता है यहाँ पर। लेकिन बहुत, ओ माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग पब्लिक, आम पब्लिक है ठीक नहीं है, देख सकते कितना कचरा किया गया है। ओ माय गॉड, यहाँ पर बर्थडे वगैरह कुछ मनाया गया है और यहाँ पर सब कुछ फेंक के चला गया है, मतलब क्या बताऊँ। हम लोग का आम पब्लिक ही ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट को दोष देके कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आम पब्लिक ठीक हुआ तो सब कुछ ठीक होते जाएगा। देख सकते हैं गाइस, इसको बोलता है हम लोग का आम पब्लिक। सरकार को दोष देके मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सरकार जो कर रहा है बहुत कर रहा है हम लोग के लिए। वो देखिए बियर का बोतल, मतलब क्या बताऊँ। हम आम पब्लिक को ये सब ध्यान रखना चाहिए यार, कुछ खा रहे हो तो डस्टबिन में फेंको, डस्टबिन नहीं है तो अपना पास ही रखो, घर में जाके फेंक दो, ये सही नहीं है यार। देख सकते हैं इतना कचरा किया गया है इस जगह को, लस्सी वगैरह क्या क्या खा पी के सब फेंक दिया है, क्या बताओ। इस देश हम लोग का ही है और इस देश को हम लोग ही गंदा कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। केक वगैरह लेके आए, बर्थडे मनाया, सेलिब्रेशन किया, सब यहीं पर फेंक दिया, क्या बताओ यार, अच्छा नहीं लगता है। सब बोल के भी कोई फ़ायदा, नेगेटिव चीज़ें मुझे बोलने का मन नहीं करता है और मैं नेगेटिव चीज़ शेयर भी नहीं करता हूँ, लेकिन देख के बहुत बुरा लगता है यार ये सब चीज़ देख कर। छोड़ो यार, कोई बात नहीं, फ़ोटो खींचने का प्लान था यहाँ पर तो फ़ोटो नहीं खींचूँगा, फोटो यहाँ पर होने से खींचूँगा, यहाँ पर फोटो क्लीन लग रहा है, क्या बताओ यार, अच्छा नहीं लगता है। सो गाइस, हम लोग का यहाँ पर फ़ोटो खींचना, फ़ोटो नहीं मतलब हम लोग वीडियो किए एक, जो आप लोग को मिल जाएगा मेरा चैनल में कुछ दिन पहले मिलेगा, ये वीडियो बाद में आया है, तो अगर आप लोगों ने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो गाइस यहाँ पर कचरा किया है जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, तो प्लीज़ कचरा मत करो यार, अपना ही देश है, अपना ही सिटी है, इसको सब सुथरा रखो, कचरा मत करो यार, बहुत सुंदर करके सजाया है इंसानों ने, तो प्लीज़ कचरा मत फेंको जहाँ का यार। तो चलिए भैया, क्या बताओ, अच्छा नहीं लगता ऐसा कचरा वगैरह देखकर। तो आप लोग से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग कभी आते हैं तो अगर कुछ चीज़ वगैरह खाते हैं तो कभी फेंकिए मत इधर उधर, उसको पैक में रख के फिर फेंक देंगे कई डस्टबिन वगैरह में, ताकि हम लोग का जो शहर है या फिर इस जगह को खूबसूरत रख सके हम लोग। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बहुत अच्छा लगा गाजलवा में आके। अभी बजा है गाइस, एक चीज़ देखा हूँ मैं आप लोग को, मैं घड़ी भी ख़राब हो चुका है, अभी बज रहा है 2 बज रहा है, पता नहीं घड़ी कैसे ख़राब हो चुका है, आई थिंक बैटरी इसका ख़राब हो चुका है, गरीब इंसान का ये होता है यार, क्या बताऊँ। तो अभी यहाँ से निकलेंगे गाइस हम लोग, उसका बाद हम लोग जाएंगे, बैठिए भैया जी, उसका बाद घर जाएंगे। अभी यहाँ पर चाय पी के हम लोग जाएंगे घर की ओर, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है गाइस, आई थिंक अभी देखा रहा है 10:35 हो चुका है, तो निकलना चाहिए हम लोग को। लेकिन व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था यार, क्या बताऊँ, जितना बार भी बताऊँ व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। काजल डब्बा का नज़ारा ही कुछ अलग है, जब भी मैं आता हूँ मैं फैन हो जाता हूँ। तो गाइस, अभी चाय पियेंगे उसके बाद देख लेंगे, तो यहाँ पर तो आप लोग को चाय नहीं मिलने वाला, चाय अगर आपको पीना है तो रोड का ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर चाय आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यार इस जगह में। आई थिंक इसके अंदर कुछ होगा, भारत लोन की अंदर आई थिंक कुछ, वाह
जस्ट लुक एट दैट मैन। वाओ सात्विक फूड्स रेस्टोरेंट वगैरह है शायद, वेज नॉन वेज बंगाली एंड चाइनीज फूड्स अवेलेबल। सो गाइस यहाँ पर हम लोग फिर कभी घुसेंगे, आज नहीं आएंगे यहाँ पर क्योंकि अभी खुला नहीं है, शायद पता नहीं कब खुलेगा। कजल दवा यूथ हॉस्टल, वाह यहाँ पर हॉस्टल भी है यार, अच्छा लगा देखकर। और गाइस कब से मैं वेट कर रहा हूँ कब ये बनेगा, जब भी बनेंगे तभी आएगा मैं यहाँ पर। तो गाइस अभी यहाँ पर होगा वेट मतलब उद्घाटन, उसी का एक दो दिन बाद ही मैं आ जाऊँगा। उद्घाटन का दिन अगर आ सकता हूँ, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला तो ज़रूर आऊँगा यहाँ पर। देख सकते हैं गाइस बहुत सही है, गाजल डबा का व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है यार, प्लेन में इतना व्यू पॉइंट, इतना सुंदर व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सही है। गाजल डबा फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बहुत सही है यार। लीजिए गाइस इस व्यू का आनंद, ओ माय गॉड जस्ट क्या बताओ, मैं फैन हो चुका हूँ इस जगह का। इस व्यू पॉइंट देख सकते हैं इतना सुंदर नज़ारा, गाय यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा प्लेस, ओ माय गॉड तीस्ता रिवर का व्यू पॉइंट, ओ माय गॉड ये है हम लोग का तीस्ता व्यू पॉइंट, ओ माय गॉड दिस इज गाजल डबा यार। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप लोग को कभी भी टेंशन हो या पर लाइफ में कुछ भी टेंशन दिक्कत कुछ भी हो तो एक बार तीस्ता रिवर अकेला आ जाइए, अकेला आके घूम के जाइए, जस्ट आप लोग फील कर पाएंगे इस नज़ारा का आनंद और इसका जो खूबसूरती आपको सब कुछ भुला देगा यार। अगर आपका कभी भी ब्रेकअप हुआ, अगर मैं नहीं चाहता आप लोग का ब्रेकअप हो, लेकिन अगर आप लोग का कभी भी ब्रेकअप हुआ या फिर आप लोग को कभी भी मन बुरा लगे या फिर आपको कुछ भी टेंशन हो तो यहाँ पर आ जाओ यार, एक बार आके तीस्ता नदी का नज़ारा देख कर जाइए, आप लोग को सब कुछ भूल जाएंगे, आप लोग जस्ट फैन हो जाएंगे इस नज़ारा का। गाइस देख सकते हैं इतना सुंदर व्यू पॉइंट है, ओ माय गॉड आई कैंट एक्सप्लेन यू, क्या बताओ कुदरत का नज़ारा क्या सुंदर लग रहा है। अगर आप लोग वीडियो को फील कर पा रहे तो तभी आप लोग को समझ में आएंगे आएगा कि इस व्यू पॉइंट का कितना सुंदर लग रहा है। मैं फैन हो चुका हूँ गाइस इस व्यू पॉइंट का, जस्ट देख सकते आप लोग ब्रिज भी इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्रिज, ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दिस मैन। सो गाइस यहाँ पर हम लोग बहुत अभी थोड़ा फोटो वगैरह खींचेंगे, उसका बाद आप लोग को मैं थोड़ा इसका अंदर का व्यू पॉइंट दिखाऊंगा, जो हम लोग का यहाँ पर नया ब्रिज जैसा बन रहा है तो इसका अंदर घूम के दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गाइस बोट भी चलता है, तो बोट अभी शायद 10 बजे का बाद स्टार्ट होता है या फिर ट्रैवलर लोग जब आता है उसका बाद स्टार्ट होता है या फिर संडे करके ज़्यादा चलता है, संडे को बहुत भीड़ होता है गाइस। आज तो मंडे है तो कल यहाँ पर बहुत भीड़ था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो नाव वगैरह एक नाव चल रहा है अभी, तो धीरे धीरे बहुत इंसान आएगा ट्रैवलर लोग आएगा तो धीरे धीरे यहाँ पर बोट चालू हो जाएगा गाइस। तो अभी देखते हैं गाइस, तो अभी घूमूंगा फिरूंगा उसके बाद चाय पियेंगे, चाय तो पीऊँगा गाजल लोबा क्या, अगर आप चाय नहीं पिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, यहाँ का चाय बहुत बढ़िया होता है। और आप लोग चाय पीना चाहते हैं तो गाजल लोबा में पी सकते हैं गाइस, तो चलिए चाय पीते हैं थोड़ा हमारा।